कल हम लोग पढ़े थे हरिश्चंद्र के बारे में। आपकी किताब में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप लोग इसको कॉपी पे लिख लें। फेयर करते समय क्वेश्चन को किताब से उतार लेंगे और इस आंसर को उसके नीचे लिख लेंगे। इस तरह से फेयर की कॉपी आपको तैयार कर लेनी है। पहला क्वेश्चन था कि हरिश्चंद्र कौन थे। लिखेंगे हरिश्चंद्र एक सत्यवादी, दानवीर, उपकारी व त्यागी राजा थे। दूसरा क्वेश्चन है कि इंद्र के कहने पर विश्वामित्र ने किसकी परीक्षा ली। उसका लिखेंगे विश्वामित्र ने इंद्रदेव के कहने पर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। तीसरा क्वेश्चन था राजा ने किस प्रकार अपनी दक्षिणा में क्या दान दिया। लिखेंगे राजा ने स्वयं को और अपने परिवार को बेचकर उससे प्राप्त पैसे को दक्षिणा के रूप में दान किया। लिखेंगे राजा ने स्वयं तथा परिवार को बेचकर प्राप्त रुपया दक्षिणा में दान किया। चौथा प्रश्न है कि राजा कौन सा काम करने लगे। राजा कौन सा काम करने लगे। लिखेंगे राजा रामू डोम के कहने पर शमशान घाट की रखवाली का काम करने लगे। रामू डोम ने खरीदा था, ध्यान रखिएगा। फिर अंग है पांचवा क्वेश्चन कि राजा ने धैर्य कब नहीं छोड़ा। लिखेंगे राजा ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के समय में भी अपने धर्म का पालन किया, धैर्य का पालन किया था। जब उनके पुत्र का निधन हो गया था उस समय भी उन्होंने बिना विचलित हुए अपने धर्म का पालन किया और बिना शुल्क ये संस्कार करने से मना कर दिया। और तारामती को कहा कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगी, टैक्स जमा नहीं करोगी, कर के रूप में रुपया नहीं दोगी, तब तक नहीं करने दूंगा। आखिर में क्वेश्चन है कि तारामती ने अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर के रूप में क्या दिया। तो उसका आंसर लिखेंगे तारामती ने अपने पुत्र के अंतिम क्रिया के लिए, अंतिम दाह संस्कार के लिए कर के रूप में अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर देने का निर्णय किया। साड़ी का एक हिस्सा फाड़ कर टैक्स के रूप में या कर के रूप में जो उसका शुल्क था बधा हुआ उसको देकर अपने पुत्र के दाह संस्कार करने के लिए उस शमशान घाट के नौकर से आज्ञा मांगी थी। ठीक है, ये हुआ आपके छः क्वेश्चन का छः आंसर। इसको सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, फिर की कॉपी में उतार लेंगे। अब आगे देखिए, आगे है कि ता और ई शब्द लगाकर शब्द के आखिर में ता और ई लगाना है और एक नए शब्द का निर्माण करना है। देखिए ता तथा बड़े ई लगाकर शब्द बनाना है। पहला है धृष्ट, इसमें ता जोड़ देंगे, ठीक है,
और एक नया शब्द बना देंगे, फिर है समान। इसका होगा मुरझाई। फिर है जिम्मेदार। इसमें भी बड़ी ई लगाएंगे, ये हो जाएगा जिम्मेदारी। ठीक है, उसके बाद है बीमार। इसमें भी बड़ी ई लगाएंगे, ये हो जाएगा बीमारी। ठीक है, यहाँ याद रखिए। अब उसी तरह है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, दान देने वाले को क्या बोलेंगे। दान देने वाला शब्द अनेक है, इसका एक शब्द में उत्तर देना है। दान देने वाले को बोलते हैं दानी। सत्य बोलने वाला, इसको बोलते हैं सत्यवादी। त्याग करने वाला, इसको बोलेंगे त्यागी। दूसरों पर उपकार करने वाला, इसको बोलेंगे परोपकारी। ठीक है, ये हो गया अनेक शब्द के लिए, ये हो गया अनेक शब्द के लिए एक शब्द। दान देने वाला दानी, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, त्याग करने वाला त्यागी, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। यहाँ सिर्फ उपकार करने वाला होगा तो उपकारी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है दूसरों, यानी पर का अर्थ होता है दूसरा, पर का अर्थ होता है दूसरा, तो दूसरों पर उपकार करने वाले को बोलेंगे परोपकारी, उपकारी नहीं बोलेंगे, परोपकारी। ठीक है, इसको आप लोग खूब बढ़िया से लिख लेंगे, और इसको ध्यान भी देना है कि धृष्ट में ताल लगाएंगे तब होगा धृष्ट, बदमाशी, ये निशेषण हो गया। समानता, कि अगर बड़ी लगाएंगे तो क्या होगा समानी, समानी का कोई अर्थ नहीं होता है, तो हमें समानार्थक शब्द तैयार करना है, जिसका कुछ अर्थ निकले वैसे शब्द, जिसका कुछ अर्थ निकले वैसे शब्द बनाने हैं हमको। ठीक है, इसको खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है।